अस्सलाम गाइस, मैं मोहम्मद जमशेद। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अमेज़न रिफंड और रिटर्न्स क्या हैं और इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं, प्लस अगर हमारे पास रिफंड होते हैं तो हम इसको किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अमेज़न की एक पॉलिसी है कि कोई भी कस्टमर जब अमेज़न से कोई भी चीज़ परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद उसके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उस सिनेरियो में वो 30 डेज़ के अंदर जो है वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है और उसका फुल रिफ़ंड ले सकता है। सो प्रोडक्ट क्वालिटी रियली मैटर्स इन अमेज़न। अगर आप जो है वो प्रोडक्ट अच्छी कस्टमर को भेजेंगे तो कस्टमर उस पर रिटर्न भी नहीं करेगा, तो आपके पास रिफंड भी कम होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर इफ़ यू आर जस्ट डाउटफुल फॉर योर प्रोडक्ट क्वालिटी, देन ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव योर प्रोडक्ट, राइट। तो उस सिनेरियो में अगर हम अपने आप को एज अ सेलर रख के देखें कि हम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और किसी कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद दैट एंड ही रिटर्न द प्रोडक्ट, राइट। तो उसके रिजल्ट में जो है वो हमें क्या उसका जो है वो डैमेजेज होंगी, तो उसका ये कि जितनी भी हमने प्रोडक्ट चार्जेस जो है वो कस्टमर से लिए थे वो हमें कस्टमर को रिटर्न करने होंगे, प्लस हमें जो है वो अमेज़ॉन की जो फुलफिलमेंट की फ़ीस होती है, ज़ाहिर तौर पे वो प्रोडक्ट को पैक करता है, सेंड करता है कस्टमर को, तो उसकी फुलफिलमेंट फ़ीस होती है, वो चार्ज करता है, प्लस जब कस्टमर उसको रिटर्न करता है तो उसकी भी एक फुलफिलमेंट फ़ीस होती है, वो भी चार्ज करता है, तो वो सारी फ़ीस वो आपसे चार्ज करेगा। इसी के साथ साथ जब कोई प्रोडक्ट जब रिटर्न हो जाती है, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आ जाती है, तो फिर उसका क्या करना है? तो उस सिनेरियो में अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है कि या तो उस प्रोडक्ट को आप रिमूव कर लें वहाँ से, ठीक है, यानी अपने वेयर हाउस में मंगा लें या अपने घर मंगा लें, जहाँ भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि देखें उस प्रोडक्ट में क्या ख़राबी है, उसको अगर रीपैक कर सकते हैं, अगर उसकी पैकेजिंग ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसको रीपैक करके और उसको अमेज़ॉन को नेक्स्ट इन्वेंट्री में दोबारा भेज सकते हैं, या फिर अगर वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुकी है तो उसको आप जो है वो रिमूव इन्वेंट्री करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, एज वेल एज अपने पास मंगवा के उसको चेक कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन हर सर्विस के पैसे लेता है, ठीक है, आपसे चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय करनी होगी तो भी आपसे वो चार्ज लेगा, अगर आपसे इन्वेंट्री जो है वो रिमूव करवा के अपने घर मंगवानी होगी, अपने वेयर हाउस, ज़ाहिर है वहाँ से वो इन्वेंट्री निकालेगा, बॉक्स में डालेगा, पैक करेगा, फिर शिप करेगा आपके वेयर हाउस में, तो उसके जो चार्जेज होंगे वो भी आपसे लेगा, ठीक है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि रिफंड जो है वो हमेशा अपने लो रखने हैं। उसकी वजह यही कि अमेज़ॉन की एक जो है वो रिटेंशन पॉलिसी भी है कि अगर आपके रिटर्न रेट जो है वो 5% से ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो आपका जो है वो आपकी लिस्टिंग भी जो है वो रिमूव हो सकती है। अमेज़ॉन का पूरा सिस्टम जो है वो कस्टमर सेंट्रिक है। वो चाहता है कि कोई भी कस्टमर जब अमेज़ॉन के ऊपर आए तो वो अनहैप्पी होकर ना जाए, तो वो यही नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा सेलर उसके प्लेटफॉर्म पे सेल करे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिससे अमेज़ॉन के कस्टमर जो है वो हैप्पी नहीं होते और उसकी प्लेटफॉर्म को जो है वो लाइक नहीं करें। सो ये था मेरा आज का आंसर, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट 2 मिनट वीडियो में। जब तक के अपना डे है, ख्याल रखिएगा। मैं हूँ अहमद जमशेद, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।